नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बाइडेन प्रशासन के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध इस समय ऐसे दुराहे पे है जहां उसे फैसला लेना है कि कैसा आगे संबंध रखना है। जिस तरीके से चीन आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, चीन के प्रति तो काफ़ी हद तक वही नीतियाँ रहने वाली है उसकी जो ट्रंप का था, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी दुविधा में है। अफगानिस्तान में शांति के लिए उसे पाकिस्तान का सहयोग चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है अब उसको थोड़ा सा झटका लगा है। दरअसल आपको याद होगा 2002 में डेनियल पर्ल नाम के पत्रकार की का सिर जो है कराची में कलम कर दिया गया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया के ब्यूरो प्रमुख थे। अलकायदा और ISI के संबंधों पे वो कोई आर्टिकल कर रहे थे, खबर कर रहे थे। उसी सिलसिले में वो गए हुए थे तो उनका अपहरण करके सिर कलम कर दिया गया। इसमें ब्रिटेन बेस्ड जो है उमर शेख नामक अलकायदा आतंकी और उसके 3 सहयोगियों का नाम आया। फिर पाकिस्तान में मुकदमा चला, जो निचली अदालत है उसने उमर शेख को फांसी और बाकी 3 को आजीवन कारावास का सजा सुनाया था। जब हाईकोर्ट में मामला गया तो उसने जो है 3 को तो छोड़ दिया और 1 को 7 साल की सजा सुनाई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको छोड़ दिया, यानी उमर शेख को भी छोड़ दिया। इसी पे अमेरिका ने रिएक्ट किया है। एंटनी ब्लिंकन उसके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस पे जो है अपने कानूनी विकल्पों पे विचार करे और इस फैसले को वापस कराए, अदरवाइज अमेरिका खुद सजा देगा। यानी कि वो अपने यहाँ मुकदमा चला करके ट्रायल करके और सज़ा दे देगा। अब पाकिस्तान को सोचना है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने जो है उस पर कहा है कि वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान ये कर पाता है कि नहीं कर पाता, और नहीं कर पाता है तो फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना सख्त बयान आया है ब्लिंकन का उसी हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को साध के चलना चाहते हैं, अफगानिस्तान में मदद की ज़रूरत है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद के दिनों में पाकिस्तान के प्रति उनका रुख जो है सख्त होता गया था। बार बार इमरान खान गए उनके पास, सिवाय कश्मीर पे कि ट्रंप जो है मध्यस्थता की बात करते हैं, बहुत बड़ी मदद वो इमरान खान को नहीं दे पाए थे, क्योंकि न तो ट्रंप भारत को दरकिनार कर सकते थे या महत्व कम दे सकते थे, और न बाइडेन दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है दुनिया की और ख़ास तौर से एशिया की, कोई भी हो, कोई भी प्रशासन आ जाए अमेरिका में भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता, और उसे इस बात का ध्यान रखना ही होगा। तो पाकिस्तान के साथ बैलेंस वो बना सकते हैं, लेकिन अभी जो डेनियल पर्ल के मामले में जो कुछ भी वहाँ पे फैसला आया है उसके बाद उसको तय करना है कि यदि आतंकवाद के प्रति वो सख्त रुख नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा। आखिरकार निचली अदालत के सामने वो कौन से तथ्य और साक्ष्य थे जिसके आधार पर फांसी की सजा हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो बरी हो गया, और किस आधार पर फिर क्या अमेरिकी दबाव में अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं कि हम इसमें अपील करेंगे, समीक्षा की गुहार लगाएंगे, और नहीं तो अमेरिका वास्तव में कोई सख्त कदम उठाने वाला है, इस पे हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।